हाँ तो दोस्तों मैं आ गया हूँ नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के नाइन्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जल्दी से देख लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या है। यह है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, एक बेसिक सिंपल मीनिंग में बताऊँ कि यहाँ पर लोगों को लोगों के सामने बांट दिया जाता है, उसी को ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं। आप हिंदू हो, नहीं नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हो, आप राजपूत हो, आप जैन हो, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है बेसिकली। इसमें उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रेस के अकॉर्डिंग, आप गोरे हो वो काला है, ठीक है, उसके रेस के अकॉर्डिंग, आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आप MBA वाली हो वो BTech वाला है ना, आपके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, किसी भी तरीके से आपको एक तरीके की आइडेंटिटी दे देना, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपके जो राइट्स हैं उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए बेसिकली ये पॉलिटिक्स करी जाती है। कि हमारे साथ कुछ भी ख़राब हो रहा होता है तो एक ग्रुप ऑफ एसोसिएशन मिलता है और वो अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स शुरू करता है। यहाँ पर हमेशा हर चीज़ नेगेटिव वे के अंदर नहीं, आपको एग्जाम में पॉजिटिव वे के अंदर लिखना है। अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी अच्छी है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफ़ी फ्रूटफुल है, ठीक है। उसी के कारण इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, उसी के कारण जो औरतों को अधिकार मिलने चाहिए थे वो मिलते हैं। अब अच्छा, भारत देश में अधिकार पहले से थे, लेकिन ऐसा कह सकते हो अंग्रेज आए और मुगल आए उसके बाद से अधिकार कहीं ना कहीं दबे थे। तो थोड़ा सा इस तरीके से आपको कंसर्न लिखना है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सेंटर अराउंड द आइडिया द पीपल ऑफ द सोशल आइडेंटिटी। हर व्यक्ति की एक सोशल आइडेंटिटी थी, रेस, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन, शेप, देयर पॉलिटिकल व्यूज और एक्सपीरियंस। आप BJP में, कांग्रेस या किसी भी अकॉर्डिंग एक आइडेंटिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पृथक किया जाता है। और इसका टेंट क्या है, कोर आइडिया क्या है, कोर आइडिया ये है कि अटेंशन सीक करना और उस ग्रुप का लीडर का क्रिएशन करना, बिल्ड करना और एडवोकेट करना, उनके जो राइट्स हैं उनको बिल्ड करने के लिए बेसिकली बात होती है, उनको एम्पावर करने के लिए बात होती है। और उसका बेनिफिट क्या होता है, उसका बेनिफिट ये होता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होता है, पॉलिसी के अंदर चेंज आता है, एम्पावरिंग कम्युनिटीज होती है। अब मान लो वैसे तो अभी ABBP संघ है ना, और दो तीन और संघ हैं जो स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखते हैं, लेकिन मान लेते हैं ऑल स्टूडेंट एसोसिएशन करके कोई एसोसिएशन होती जो केवल स्टूडेंट के लिए फेवर में बात कर रही होती, और सारी जितनी भी ABBP हैं और जो छात्र संघ के नेता हैं सारे पूरे ऑल इंडिया के उसके अम्ब्रेला के अंदर में होते, ठीक है, और उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता कि सारे, तो क्या आज जो नीट का प्रकरण हुआ है, जो कहीं पे पेपर लीक की बातें आ रही हैं, या जितने भी पैसे लेके धांधली होती है, या स्टूडेंट्स के जो हितों का टकराव होता है, क्या एक कंसोलिडेटेड बॉडी उसको सॉल्व नहीं कर सकती थी? ये इसका मेन आइडिया होता है कि आपने अगर किसी को आइडेंटिटी दे दी तो उसकी यूनिटी आ जाती है ना। वो एक लकड़ी तोड़ी जा सकती है, चार तोड़ोगे तो संभव नहीं है, लेकिन जलाई चारों से जा सकती है ना, और जब चारों जलेंगी तो तेज जलेंगी, एक धीरे से जलेगी, एक का प्रभाव भी कम होगा, लेकिन चार फटाफट जल जाएंगी, क्यों ऐसा ही है इसलिए, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं कि ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, ज़्यादा हम इसके अंदर कास्ट, ज़्यादा रिलीजन, ज़्यादा चीज़ें आ जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन, डिवीज़न में प्रॉब्लम्स आती हैं, ब्लाइंड स्पॉट को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, मूविंग फॉरवर्ड काफ़ी इसमें एक प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स डिवाइड करने का एक सिंपलेस्ट वे है आजकल की इलेक्शंस में कह लो या आजकल की पॉलिटिक्स में कह लो। आज किसी को भी किसी से डिवाइड करना है तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज़ द बेसिक पॉइंट। लेकिन किसी को एम्पावरमेंट के लिए, जो मतलब इसकी बेसिक आइडियोलॉजी थी कि किसी को भी एम्पावर करना, क्योंकि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उनके लिए ज़रूरी है जिनको एम्पावरमेंट नहीं मिल रहा। आप कुएं से एक जना पानी पी पा रहा है, दूसरा नहीं पी पा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी शेड्यूल कास्ट को बिलोंग कर रहा हो। अब ये तो बात गलत हो गई, अब ये बात गलत हो गई तो शेड्यूल कास्ट एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गई, क्लियर हो गया, तो इसी को ही बोला जाता है। अब ऐसे तो मेजर बेनिफिट केवल एम्पावरमेंट, यूनिटी ही है, और चैलेंजेस इसके बहुत सारे हैं, और इसमें भर भर के आप सभी लिख सकते हो, मेरे से ज़्यादा प्रखंड पंडित हो इसमें। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।